हेलो दोस्तों, यस चेक कीजिए, आवाज़ आ रही है। हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है? हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं और हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स प्रिलिमिनरी के कुछ क्वेश्चंस के साथ और अब की बार हम आपके साथ लेकर आए हैं मनी एंड बैंकिंग। अगर कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईएएस में किस सेक्शन से आता है, कोई एक टॉपिक का नाम, तो पिछले अगर हम 10 साल या 15 साल के ट्रेंड को देखें, तो अगर कोई एक टॉपिक सबसे ज्यादा कमांड करता है तो यही है सबसे ज्यादा, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको देश भी तो चलाना है, इकोनॉमी भी तो चलानी है, इसलिए इसकी गहरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और प्रिलिमिनरी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक यही है। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ, प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये चैनल है दोस्तों टेलीग्राम का, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप ये क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? कौन सा इसमें से फंक्शन है बताइए आप? रेगुलेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ बैंक इंडिया, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम तो बोलते भी हैं कि आरबीआई है बैंकर्स का बैंक, और अगर ये बैंकर्स का बैंक है तो भाई बैंक को तो मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल ओके है जी, ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आइए नंबर दो, नंबर दो की बात करें अगर हम, तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके आरबीआई ही तो तय करता है कहाँ तक, किससे, कब। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट, भाई मनी का, आपकी फॉरेन करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल, अलाउ करना नहीं अलाउ करना, नीचे की तरफ डिवेल्यूशन करना रिवेल्यूशन करना, ये सब हम करते हैं। मनी की सप्लाई, नोट छापना, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब काम हम ही तो करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई इसका आंसर तो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ये सारे फंक्शन है जो आरबीआई करती है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा नंबर ई, ठीक है। आइए थोड़ी सी और बातें करते हैं। आपने अब बताना है ये कि भाई ये जो बैंक का ओम्बडसमैन स्कीम है, ये अप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ, भाई कौन से बिजनेस को अप्लीकेबल है? ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल बैंक, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक और ओनली प्राइवेट बैंक। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कस्टमर है और बैंक है ना,
अब कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज बैंक देते हैं, लेकिन कस्टमर को शिकायत होती है। अब कस्टमर किसके पास गया, बैंक सुन नहीं रहा। तो हुआ कि भाई बैंकिंग सिस्टम का एक बिचौलिया, एक अंपायर अपॉइंट कर दिया जाए, और उस अंपायर का नाम है ओम बट्स मैन, ओम बट्स मैन। और ये सभी बैंकों को, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल हो या रीजनल रूरल बैंक हो, सबके ऊपर अप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें बी नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग इसमें कवर्ड हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो और चाहे रीजनल रूरल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ए सेंट्रलाइज डाटाबेस विथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी, विद ऑनलाइन कनेक्टिविटी टू द ब्रांचेज एंड इंटरनेट एज वेल एज एटीएम नेटवर्क विच हैज बीन अडॉप्टेड बाई ऑल मेजर बैंक ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जिसमें सब ऑनलाइन कनेक्टिविटी है, किसी को अपना पैसा कहीं से भी निकालना, एनी वेयर बैंकिंग आप कर सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। सभी ब्रांचेज एक ब्रांच में जमा कराए, दूसरे में निकालिए, अब तो ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट गेटवे, एटीएम, जहां से मर्जी वहां से निकालिए, ये सभी बैंकों ने तकरीबन एडॉप्ट किया। भाई क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। मोबाइल बैंकिंग, ये तो सिर्फ मोबाइल को कवर करेगा। स्पेशलाइज्ड बैंकिंग, बिल्कुल नहीं। हम इसे बोलते हैं कोर बैंकिंग, जिसमें हम सब कुछ अपनी सारी सर्विसेज आजकल ऑनलाइन डाल देते हैं। लोग इसमें जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, एफडी तोड़ सकते हैं। और भी जो बातें हैं सब कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या है, कोर बैंकिंग। तो याद रहे, कोर बैंकिंग वो जरिया है, वो जो तरीका है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं, इंक्लूडिंग एटीएम, जहां भी वो प्रेजेंट है वहां ये काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी, किसे बोलते हैं प्लास्टिक मनी, डिमांड ड्राफ्ट, जो आप बैंक में कहीं ट्रांसफर कराने के लिए किसी नाम से बनवाते हैं, वो तो कागज का होता है, क्रेडिट कार्ड, हाँ वो प्लास्टिक का होता है, नहीं कहीं भी आप पेमेंट कर दीजिए, डेबिट कार्ड, बिल्कुल जी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये दोनों प्लास्टिक मनी है ना। प्लास्टिक मनी जो प्लास्टिक से बना हो, मनी तो नहीं है लेकिन हमें पैसे को ट्रांसफर करने में, लेने देने में मदद करते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है दो और तीन जहां सही है वही आपका आंसर है। तो कभी तो प्लास्टिक मनी की बात करें तो आपको इसे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक के सवाल हैं, अभी आपको हम सिविल सर्विसेज के भी कराएंगे, थोड़ा सा पहले वार्म अप हो जाए, फिर मेन बात पे आते हैं। MICR कोड इज यूज फॉर विच ऑफ दीज, भाई MICR मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट, खासतौर पे चेक वगैरह को, ओरिजिनल है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, ठीक है ना। उसको रिकॉग्नाइज करने का ये हमारा तरीका है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, फेक तो नहीं है। इस बात के लिए भाई इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, कोड बैंकिंग सॉल्यूशन में तो नहीं करते, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बोगा चेक, फालतू का चेक ऐसे ही फोटोकॉपी दे दिया हो और उससे कोई बात होने जा रही हो, वहां पे दोस्तों इस बात का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। वहां पे हम इसको यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर सी, जहां पे ये काम किया जाता है,
आई, अगली बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के लिए कौन से लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? भाई बैंक है तो आरबीआई तो होगा ही, इसमें कोई कहने की बात तो है नहीं। बैंक है तो आरबीआई ही उसका उस्ताद है कंट्रोल करने का, तो आरबीआई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, नंबर दो, और कौन है भाई बैंक के अलावा? आइए, अगर हम बैंक के अलावा की बात करें तो देखिए जो नंबर दो है वो ये कहता है कि भाई सेबी, सेबी का काम नहीं, सेबी का काम तो स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नथिंग टू डू विद द बैंकिंग, उन्होंने अपना फंक्शन डेलीगेट कर दिया है। लेकिन नाबार्ड, ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो हमारा है उसका काम है ये काम करना। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आंसर कौन सा होगा। पानी चाहिए था, पानी की बोतल चाहिए थी। हाँ, थोड़ा ठंडा है, देखिए तो ए और बी यहाँ रख दीजिएगा, जब मैंने कहा था ना इस पे डाल दीजिएगा, ये रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। तो ए और बी दोनों, ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ई नंबर। कर लिया आप लोगों ने। आइए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कैन बी ट्रेडेड यूजिंग द आरबीआई। क्या आरबीआई की क्लिस्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग सेक्टर की बात हो सकती है? उसके लिए उन्होंने ई कुबेर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। आरटीजीएस और एनएफटी तो आप जानते ही हैं मनी ट्रांसफर के तरीके होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल हम इस काम के लिए करते हैं। ठीक है, और आगे आइए, नेक्स्ट। अगला है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ। किस फॉर्मेट में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं कि बाहर का कोई भी हो, एनआरआई हो या और भी तरह के जो लोग हैं, वो अगर आते हैं तो किस फॉर्मेट में? सेविंग मतलब पैसा जमा कराते हैं, निकाल लेते हैं, करेंट जितनी मर्जी जमा कराओ जितनी मर्जी निकाल लो, नहीं, तो टर्म डिपॉजिट के रूप में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है ना, टर्म डिपॉजिट के रूप में आप जमा कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशन रिकमेंडेशन आरबीआई, विच कमीशन, किस कमीशन के बेसिस पे आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था? आरबीआई एक्ट है ना 1935 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, तो भाई कौन सा कमीशन है, 1934 कौन सा कमीशन है जो हुआ था, अप्लीकेबल हुआ था 95 से लेकिन बन गया था 34 में, तो जाहिर है ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है। देखिए, उसके लिए जो कमिटी बनी थी उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, याद रहेगा हिल्टन यंग कमीशन। देखिए, इतनी सारी चीजें मेमोरी में तो आ नहीं सकती, बस रिवीजन करेंगे और उससे चीजें अपनी होती जाएंगी। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई बना था, एक्ट बना था 1934 में, अप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 35 से, तो हम कह सकते हैं इसका जवाब है पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट एकॉर्ड इज रिलेटिंग टू बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से संबंध में कौन सा है? वियना एग्रीमेंट, बेसेल, नयोगा, कार्टेजेना, कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा एग्रीमेंट है जो इससे संबंधित है?
ध्यान है किसी को? ये है, ये जो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बना था, तो इन्होंने तीन सेट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रिकमेंड किया और इसका मेन पर्पज था कि भाई इतना कैपिटल होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को आप बियर कर सकें और अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर सकें और सर्वाइव कर सकें बैंक, बैंक को कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर एक बैंक फेल होता है तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे पब्लिक का आम आदमी का विश्वास हिलता है और फिर वो बैंकिंग सिस्टम में अपना पैसा नहीं डालता, अपनी बैंकिंग हैबिट्स को लिमिट कर लेता है, जिसका नुकसान देश में मनी की सप्लाई और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही गहरा पड़ता है। इसीलिए बेसिल एकॉर्ड के अंदर ये बात हुई कि बैंक को सफिशियंट कैपिटल मेंटेन करनी होगी ताकि उसके बेसिस पे वो अपना काम आराम से कर सके, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए आरटीजीएस क्या करता है भाई? आरटीजीएस का काम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसको, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या काम करता है भाई? देखो, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम, आपने करवाया ही होगा, कस्टमर ऑफ वन बैंक टू द कस्टमर ऑफ अदर बैंक, ठीक है, एक ही बैंक के दूसरे कस्टमर को इमीडिएट ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर कंट्री का काम ये नहीं है, और एक ही बैंक में होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को कर सकते हैं देश के अंदर, तो इमीडिएट मनी ट्रांसफर का काम है, ये आरटीजीएस का काम है। ये एक बार अपने मुंह से बोल भी दीजिए ताकि याद हो जाए, थोड़ा सा दिमाग के अंदर चला जाए, कहीं एक बार और आ जाए, प्रिंट हो जाए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका काम है मनी का तुरंत ट्रांसफर। एनईएफटी और आरटीजीएस दो तरीके हैं जिसके थ्रू से ये बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज कमर्शियल बैंक, भाई कौन से इसमें है जो कमर्शियल बैंक के रूप में क्लासिफाइड नहीं होते? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक तो है, ठीक है ना, फॉरेन बैंक बिल्कुल हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक बिल्कुल हैं जी, ठीक है, रीजनल रूरल ये भी अब वही काम करते हैं, बस ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये प्योर कमर्शियल बैंक्स के रूप में नहीं होते, ये मेंबर्स के आपस के कोऑपरेशन के लिए चलते हैं, तो ये एक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक बात बन सकती है, आपको देखना पड़ेगा ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि बाकी सब तो कमर्शियल बैंक हैं, और जब बाकी सब कमर्शियल बैंक हैं तो फिर हम उसकी बात तो नहीं करेंगे ना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ें। आइए दोस्त, क्वाइंस इन इंडिया, जो सिक्के होते हैं ना, वो इंडिया के किस शहर में प्रिंट किया जाता है? जो सिक्के होते हैं ये कहाँ कहाँ पे मिंट होता है? देखिए, ये हैदराबाद में मिंट होता है, हैदराबाद का जो जगह है सैफाबाद वहां मिंट होता है, अलीपुर कोलकाता में मिंट होता है, और नोएडा में भी मिंट होता है। इसके अलावा और भी कुछ जगह है जहाँ पे ये मिंट होता है, जैसे मुंबई वगैरह में, तो ये तीनों में तो होता ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हिसाब है डी। ठीक है, जहाँ पे ये मिंट होता है, डी हम कह सकते हैं जी, इसका सही जवाब है। व्हाइट लेबल एटीएम मींस विच ऑफ डीजी, कौन सा है व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या हुआ, इनसे किससे संबंधित है? जिस पे किसी बैंक का लोगो ना हो वो होता है, या जिस पे आरबीआई का लोगो हो वो होता है, या बोथ होता है, और एटीएम कैरीज फंड, एटीएम तो खैर फंड कैरीज करता ही है,
लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या है? व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब है कि जो नॉन बैंकिंग एंटिटी भी चला सकती है, किसी भी बैंक का पैसा निकाले, सर्विसेज के बदले चलाएगी, किसी बैंक का पैसा निकालिए, जमा कराइए, इस काम के लिए जब होता है तो उसी को बोलते हैं व्हाइट लेबल। मतलब जिसके ऊपर कोई लेबल ना हो, व्हाइट हो, लेबल लग गया तो रंगीन हो गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB है, लेबल नहीं लगा तो उसको बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, जो एक नॉन बैंकिंग एंटिटी भी चलाती है और उसके बदले सर्विसेज लेती है बैंक से, जिसका ट्रांजेक्शन होगा उसे चार्ज करेगी और बैंक आगे अपना कस्टमर से चार्ज करे नहीं करे वो बैंक की हेडक है। आगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात होती है? अभी अभी आया था, हुआ क्या कि बहुत सारे ना बैंक, जैसे आपने सुना होगा पंजाब महाराष्ट्र बैंक फेल हो गया, यस बैंक की हालत बड़ी खराब हो गई, और भी कई बैंकों की दिक्कत हुई, तो RBI को कहा गया कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, आप ना एकदम प्रॉम्प्ट जिसके अंदर तरीके से सेस करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, और जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये RBI से संबंधित है, नीति आयोग से भी या PFRDA से संबंधित ये नहीं, ठीक ना? और आगे चला जाए। अब मैं आपको कुछ बढ़िया वाले सवाल कराता हूं, जानते हैं कहां से? डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल कराता हूं बेटा, आपके पीएफआरडीए सिविल सर्विसेज के पेपर से। तो हम आपके साथ अब बात करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज पेपर की बात। पढ़िए क्या कहता है। द मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है, मनी एंड बैंकिंग का आपने पढ़ा है, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो थोड़ा सा मैं आपको मनी मल्टीप्लायर पहले समझा दूं। देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपकी जो हार्ड करेंसी है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, ये बता दूं मैं, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सिविल सर्विसेज 2021 का पूछा हुआ है प्रिलिमिनरी में, आप खुद ही देखेंगे तो इसके लेवल से आपको आइडिया लग जाएगा। ये मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमिक्स का बड़ा ये कॉन्सेप्चुअल टर्म है। देखिए मनी मल्टीप्लायर ये कहता है कि अगर हार्ड मनी एक है, एक यूनिट है, तो मार्केट में जो मनी की सप्लाई होगी वो एक नहीं होगी, असल में ना ये हाथ चेंज करता है। आप इसको बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उसके बेसिस पे लोन देता है, फिर वो लोन वापस बैंक में जमा होता है, बैंक फिर उसके बेसिस पे लोन देता है, और ये तेजी से काम होता रहता है। असल में तीन चीजें हैं, एक तो है बैंक का बिहेवियर कि बैंक जो लोन उसके पास डिपॉजिट होता है उसमें से फिर वो कितना लोन देता है। अगर मान लीजिए कि रिजर्व रेशियो हमारा, आपने सुना ही होगा कि बैंक के पास जितना पैसा आता है वो सबको लेंड नहीं करता, उसमें थोड़ा पैसा रख लेता है, और जरूरत भी होती है CRR रेशियो या SLR के लिए, तो CRR SLR रेशियो को देखते हुए बैंक उतना पैसा रख लेता है और बाकी इन्वेस्ट करता है। जनरली बैंक ना 20-25% रख लेता है, 75-70% फिर से दोबारा लेंड करता है। तो जितना आप रखेंगे मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन उतनी कम होगी। तो एक तो बैंक बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर, पीपुल्स, उनका क्या बिहेवियर होता है, भाई लोग कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए लोग बहुत ज़्यादा बैंकिंग करते हैं, हाथ में पैसा कम रखते हैं, तो बैंक के पास डिपॉजिट ज़्यादा होगा, वो आगे क्रेडिट क्रिएशन करेगा, लेकिन वो हार्ड कैश मनी रखना पसंद करते हैं तो फिर बैंक में जमा ही नहीं होगा, और जमा नहीं होगा तो फिर आगे क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, ठीक है ना? तो ये सब जो चीजें होती हैं वो इम्पेक्ट करती हैं कि आपका मनी का सप्लाई कितना होगा। ऐसा हो सकता है एक का चार हो, इसको मैं ऐसे लिखते हैं M/H, तो ये अब किस बात पर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि जो
मनी की सप्लाई है वो हार्ड कोर मनी पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे वो डिपेंड करता है। इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, वो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। इसको आगे लिखा जाता है वन प्लस सी डी आर डिवाइडेड बाई ई डी आर प्लस आर डी आर, ठीक है, जहां पे जो सी डी आर है ना करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और आरडीआर जो है वो है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, वो रिजर्व बढ़ा भी सकता है, रिजर्व घटा भी सकते हैं। और ईडीआर जो है वो इमरजेंसी डिपॉजिट रेशियो है जो हम अपना रख लेते हैं। ये बैंक का बिहेवियर, बैंक कितना डर रहा है, भाई बैंक भी तो डरता है, पता नहीं पैसा आए नहीं आए, आउटफ्लो ज़्यादा हो इनफ्लो कम हो, तो बैंक जितना आरबीआई बोलता है ना उसे कहीं ज़्यादा रखता है। मान लीजिए आरबीआई ने बोला कि 20% आपको एसएलआर और सीआरआर रखना है, हो सकता है ये 5% एक्स्ट्रा और रखे, ठीक है ना। तो लोग बैंक में जितना पैसा जमा कराएंगे उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जमा कराएंगे 80% 50% 60% उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बढ़ने का उल्टा असर पड़ता है, ये दोनों बढ़ेगा तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा, लेकिन इसका बढ़ने का सीधा असर पड़ता है। अब इस बैकग्राउंड पे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो से मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, इंक्रीज इन रेशियो से तो कम होगा। भाई देखो ना, अगर मान लीजिए पहले आरबीआई ने कहा है 5%, अब कह रहा है आरबीआई 6%, इसका मतलब बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा, उसे ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराना है, तो फिर बैंक कैसे लोन दे पाएगा ज्यादा। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो कम हो तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। इंक्रीज इन एसएलआर, अब एसएलआर मान लीजिए आप इंक्रीज करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ये इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा। बैंकिंग हैबिट्स, बैंक का लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, पैसा बैंक पर रख रहे हैं और मोमोज भी खरीदना है तो इस तरह से क्लिक मार दे रहे हैं, अब पैसा हाथ में नहीं है, सब पैसा बैंक में है, बैंक में तो क्रेडिट क्रिएशन बैंक ज्यादा करेगा। यस, ये है इसका सही सही पॉइंट ऑफ व्यू। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से मनी मल्टीप्लायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें जवाब क्या है, सी है सही जवाब। ये अब की बार 2021 के प्रिमरी में था और इसके लिए हमें मनी एंड बैंकिंग के मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। मगर फिर से बताता हूँ, मनी मल्टीप्लायर तीन चीजों पर डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक के बिहेवियर पे, वो सीआरआर रेशियो या जो भी रेशियो बढ़ाना चाहता है घटाना चाहता है, बैंक के बिहेवियर पे, बैंक कितना श्योर है अपने डिपॉजिट और विड्रॉवल को लेके, नहीं तो फिर अगर मान लीजिए श्योर नहीं है तो ईडीआर बढ़ा देगा वो, या पीपल्स के बैंकिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। इन तीन चीजों पे इस बात का मतलब डिपेंडेंसी होती है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलें आगे, तो इसका जवाब है नंबर सी। अब आइए ये देखते हैं, विथ रिफरेंस टू इंडिया आपको बताना है कि रिटेल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, भाई साहब मच्छर आ गया, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट, डेप्ट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट। क्या रिटेल इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्ट में प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, अभी आरबीआई ने ये फैसिलिटी अलाउ करी है, फरवरी 2021 से
आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर को बोला है कि अब आपको स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हमसे परचेज कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू इट। ठीक है कि नहीं? नेगोशिएटेड डील सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, गवर्नमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई, ये नहीं है। ठीक है, ये एक स्क्रीन बेस इलेक्ट्रॉनिक वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, ये भी है, इसको भी ले सकते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी ज्वाइंटली प्रमोटेड बाई आरबीआई एंड बॉम्बे, नहीं आरबीआई नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और बहुत सारे बैंक हैं, एसबीआई वगैरह है, तो ये तो गलत है, दो सही है, आओ चेक करते हैं ए और बी। तो हमारा सही आंसर है ए और बी, ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर है। फिर से देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर को फरवरी 2021 से अलाउ कर दिया गया, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेगोशिएटेड डील है वो आप देख लीजिए, सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये अलाउ कर दिया गया है, तो ये दो चीजें सही हैं और इसलिए इसका जवाब आपके सामने है। आइए नेक्स्ट, भाई वाटर क्रेडिट क्या है, कभी सुना आप लोगों ने? वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट पुट माइक्रो फिनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटरी सिस्टम। भाई जो वाटर और सैनिटरी सेक्टर में लोग काम करते हैं, जैसे मान लो कि सुलभ शौचालय है, इस तरह के लोग, इनको माइक्रो फिनेंस मुहैया कराना, क्या ये काम है? सबसे पहले तो ये वाटर क्रेडिट है क्या? तो देखो, वाटर क्रेडिट जो है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, water.org। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला तो यही है कि हम माइक्रो फिनेंस करेंगे ताकि बिना किसी गवर्नमेंट की या बिना किसी और की मदद से जो समाज के जो तबके हैं उनको हम वाटर की नीड, सैनिटेशन की नीड पूरा कर सकें। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WTO, नहीं मैंने पहले ही कहा water.org है, इसने लॉन्च किया था और इसका एम है पुअर पीपुल को उनकी वाटर नीड्स, सैनिटेशन नीड्स बिना गवर्नमेंट की सब्सिडी और बाकी चीज़ों के पूरा करना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो देख लीजिए, आपका फर्स्ट और सेकेंड तो गलत है, थर्ड सही है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? ये सी नंबर रहेगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो वाटर क्रेडिट में आपको याद रखना है कि वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये माइक्रो फिनेंस टूल्स है, ये बिल्कुल पेपर से उठ के आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप पेपर हिंदू या जो भी पेपर आप पढ़ते हैं उस पर नजर रखिए और इन चीजों को मार्क करते जाइए, ऐसी चीजें आपके एंट्रेंस में भी आ सकती हैं। ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स का कम है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ज्यादा है, इकोनॉमिक्स का तो कम है ही। और आगे बढ़िए, इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब बैंकों को कहीं कुछ नहीं मिलता तो सेंट्रल बैंक बोलता है कि भाई तुम चिंता ना करो, अभी हम जिंदा हैं, टाइगर जिंदा है, अभी हम आपको मदद करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंडर ऑफ लास्ट और रिसोर्ट में जब कहीं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब आखिर निकला, किस बात के बारे में ये बात करना चाह रहा है? ठीक है, तो बोल रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो इसका क्या मतलब है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज, क्या ये आरबीआई का काम है? बिल्कुल नहीं, आरबीआई तो किसी कंपनी से बात नहीं करता। लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, बिल्कुल सही, अगर बैंक को कोई दिक्कत हो उसको मुहैया कराना हमारा काम है। लेंडिंग टू गवर्नमेंट ऑफ फिनांस बजटरी डिफिसिट, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा काम है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस। वैसे भी इसमें दो और तीन का कोई ऑप्शन है? तीन तो है नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका बी नंबर सही है। जब फिनेंशियल बजटरी डिफिसिट होता है तो वो जाने वो अपना बाहर से लोन लेते हैं, आरबीआई लोन देने के लिए मजबूर नहीं है, वो विशेष परिस्थिति में गवर्नमेंट को जब ज्यादा दिक्कत हो तो बेल आउट कर सकता है, अदरवाइज। तो इसका मतलब
ये दोनों गलत है। और ये बैंकों को जब कहीं रास्ता नहीं समझ में आता, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो बैंक को ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक और ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक लग रहा है। सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आरबीआई की बात नहीं है। गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ दिस पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, हाँ, गवर्नर को आरबीआई के एक्ट के अंदर जो पावर मिली है उसके हिसाब से वो बात कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 1 और 3 सही है। तो देखिए, तो 1 और 3 कहाँ पे है, यानी कि इसका सही आंसर है नंबर C। ठीक है कि नहीं, कि भाई आरबीआई के गवर्नर को आप तो देखते ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अगर आप न्यूज पेपर पर नजर रखें तो जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो अपने मन के आदमी को लेकर आते हैं, और आरबीआई के गवर्नर को उसकी जो पावर मिलती है वो आरबीआई एक्ट से मिलती है, आरबीआई एक्ट 1934 से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। विद द रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर समझते हैं जो फैक्ट्री के रेगुलर पे रोल पे नहीं होते, उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड कवरेज। सोशल सिक्योरिटी के लिए जो एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, ये कवरेज उनको है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट। भाई कैजुअल वर्कर के लिए भी आवर्स का रेगुलेशन हो सकता है, या जितनी मर्जी आप उतना काम करा सकते हैं। और तीसरा, गवर्नर कैन बी गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कि भाई आप जो वेजेज है वो सिर्फ बैंक के थ्रू ही पे करेंगे, ताकि पता चले आप ठीक से पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कैजुअल वर्कर को अब पीएफ वगैरह आपको मुहैया कराना आपकी ड्यूटी बनती है। सभी कैजुअल वर्कर का आवर रेगुलराइज होगा, ओवर टाइम पेमेंट होगा, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, एक्ट लाया, और बैंक के में पेमेंट करने के लिए भी आपको डायरेक्शन दे सकती है, ताकि पता चले कि भाई सही पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इस तरह से हम कर सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। जब इकोनॉमिक रिसेशन हो तो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? अब देखिए, इकोनॉमिक रिसेशन मतलब अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है, इकोनॉमी कंडेंस हो रही है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रोजगार की गति को तेज करने के लिए, इकोनॉमी की गति को तेज करने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। व्हाट शुड गवर्नमेंट शुड डू? टैक्स के रेट को कम करो, भाई इससे क्या होगा? टैक्स का रेट कम करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा कंजम्पशन के लिए, वो मार्केट में कंजम्पशन के लिए जाएंगे, अच्छी बात है, उससे मार्केट में डिमांड पैदा होगी, मार्केट में प्रोडक्शन शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा तो इन्वेस्टमेंट्स होगा, और इस तरह से रोजगार बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। ये तो सही लग रहा है, लेकिन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ये गलत है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग बाग लोन लेना नहीं पसंद करेंगे, लोग बाग परचेजिंग डेफर करेंगे, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट को डेफर करेंगे, और रिसेशन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये सही था, लेकिन ये तो गलत है, ये तो आंसर नहीं। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट पे रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करो, उस पे खर्चा बढ़ा दे, ये सही लग रहा है। क्योंकि अगर पब्लिक प्रोजेक्ट में पैसा जाएगा तो
खूब रोड बनेंगे, हाईवे बनेगा, बाकी सब चीजें बनेंगी, तो ईंट बालू पत्थर की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अब ईंट बालू पत्थर सीमेंट उनकी फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा, फिर आगे वो आगे रॉ मटेरियल की डिमांड करेंगे और इस तरह से एक बूम सा होता जाएगा। तो ये सही लग रहा है बी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के हम रिसेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने अब की बार का बजट भी देखा होगा, अब की बार इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% बजट का खर्च करने की बात है, जो पिछले समय से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए तो ताकि देश में रिसेशन की जो कोरोना के चलते जो रिसेशन की प्रॉब्लम आई है वो थोड़ी ठीक हो सके। इंक्रीज इन टैक्स रेट, नहीं टैक्स रेट तो बढ़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब पहले ए सी और डी गलत है, सही क्या है? एक्सपेंडिचर बढ़ाना सही पूछिए तो इसमें ना तीन काम होते हैं। टैक्स को कम किया जाता है ताकि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है ताकि पब्लिक के पास पैसा पहुंचे, डिमांड मार्केट में क्रिएट हो, टैक्स के रेट को कम किए जाते हैं, ये किया जाता है रिसेशन। और अगर इन्फ्लेशन है तो इसका उल्टा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है, टैक्स के रेट को बढ़ाया जाता है, और इंटरेस्ट के रेट को भी, टैक्स के रेट को बढ़ाया जाता है और इंटरेस्ट के रेट को भी बढ़ाया जाता है, ताकि पब्लिक के पैसा छीन कर अपने पास रखें और मार्केट थोड़ा कूल हो, इन्फ्लेशन कम हो। आगे चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जरा हम कंसिडर करें। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। किसी सामान का, किसी वस्तु का जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ती है अगर बाकी चीजें बंद रहें। कब? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। जैसे मान लीजिए कि भाई प्लास्टिक है और यही काम टीन भी कर देता है, टीन का दाम बढ़ गया तो लोग टीन कम परचेज करेंगे, प्लास्टिक ज्यादा परचेज करेंगे, तो ये तो सही लग रहा है। किसी भी सब्स्टिट्यूट का दाम अगर बढ़ जाए, मान लीजिए कि भाई हरी सब्जी का दाम बढ़ जाए तो लोग आलू की डिमांड नहीं बढ़ा देते हैं। प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्स इंक्रीज, मतलब मोबाइल है अब उसके रिचार्ज वगैरह या कवर वगैरह का दाम बढ़ जाए तो मोबाइल का दाम तो घटेगा ना, मोबाइल की डिमांड तो घटेगी ना, ठीक है कि नहीं? ये तो गलत है, ये उल्टा होगा। अगर उसके कंप्लीमेंट करने वाली चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे मान लो पेट्रोल बढ़ जाए तो कार की बिक्री कम हो जाती है, स्कूटर की बिक्री कम हो जाती है कि नहीं? तो ये तो गलत है। गुड्स इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, गुड्स खराब क्वालिटी का लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं और लोगों की इनकम बढ़ गया रहे। जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो बटन वाला फोन कौन इस्तेमाल करता है, सब कुछ स्मार्टफोन, तो ये तो नहीं होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो ऐसे तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इंफीरियर गुड्स होगा तो लोग सुपीरियर गुड्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए ये सही नहीं है। अगर उसका प्राइस फॉल करे, ये है किसी चीज का दाम घटाएंगे, प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का रूल है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 1 और 4 सही है और आपका सही जवाब है नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर हम ध्यान में लाएं तो कौन सा स्टेटमेंट सही? वो बैंक जो शहरों में व्यापारी आपस में मिलकर खोलते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके लिए कौन सा? सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाई लोकल बोर्ड सेट बाई स्टेट गवर्नमेंट। भाई स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। दे कैन इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उनको कैपिटल मुहैया कराने के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू करना होंगे, अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर रेगुलेटेड अंडर द प्रिव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू अमेंडमेंट इन 1996, 66, 96 नहीं, 66, 66 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ तो देखा गया उनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाना है, क्योंकि वो भी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 1 और 3 सही है, तो इसमें 1 और 3 कोई है भाई? नहीं, 2 और 3 सही है, वो 1 तो गलत था, 2 और 3 सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सही जवाब है नंबर बी। आइए और आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड
yield are influenced by which of the following? Action of United State Federal Reserve. देखो, United State का Federal Reserve अगर कुछ चेंज करता है, फेडरल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसी बदलता है, तो पूरी दुनिया पे असर पड़ता है, क्योंकि जितने फॉरेन एक्सचेंज हैं, फॉरेन ट्रेड हैं, वो सब गवर्न बाय व्हाट, सभी गवर्न बाय किसके द्वारा है? डॉलर. अब डॉलर पे फर्क पड़ेगा तो बाकी पे तो पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं एक तो ये है कि गवर्नमेंट का जो यील्ड है, बॉन्ड का जो यील्ड है, इस बात पर डिपेंड करता है. एक्शन ऑफ आरबीआई, यस सर, आरबीआई के एक्शन से फर्क पड़ता है. आरबीआई चाहे तो घटा दे, आरबीआई चाहे तो बढ़ा दे, निश्चित रूप से. इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बाकी जगहों पे क्या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन कितना है, इससे भी फर्क पड़ता है. तो हम कह सकते हैं इसका आंसर है डी, तीनों ही चीजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड के आय पे, यील्ड पे फर्क पड़ता है और उससे मार्केट में चेंज होता है. यील्ड निकलता कैसे है भाई? क्या है इंटरेस्ट और क्या है बॉन्ड का प्राइस. अब बॉन्ड का प्राइस ही बदल जाता है तो जो परसेंटेज यील्ड है उसमें तो फर्क पड़ना ही पड़ना है. अगर मान लो मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम बॉन्ड क्यों लेंगे, मार्केट में कम मिल रहा है तो सोचा जब कम ही लेना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड ही क्यों नहीं. तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है. तो इसका सही आंसर है नंबर डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन. ओहो, किसी देश की करेंसी का डिवेल्युएशन होने से क्या होता है भाई? पहले डॉलर एक, मतलब डॉलर बराबर मान लो आजकल है 75 रुपए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवेल्यू कर दिया, अब एक डॉलर होने लगा मान लीजिए 85 रुपए. इसी को बोलते हैं डिवेल्युएशन, फॉरेन करेंसी का दाम बढ़ना, अपनी करेंसी का दाम कम होना. तो देखिए क्या हो, पहले हमारा 75 रुपए के सामान लोग एक डॉलर में खरीद रहे थे, अब तो हमारा 85 रुपए के सामान लोग एक डॉलर में खरीद लेंगे. इसका मतलब हमारी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और बाहर का जो सामान होगा हमारे यहाँ महंगा होगा. हमारा सामान बाहर में सस्ता होगा और बाहर का सामान हमारे देश में महंगा होगा. तो ये पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है. इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ना ना, फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो कम हो रही है, गड़बड़ है. इम्प्रूव इन ट्रेड, ये भी सही है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा तो इम्प्रूव करेगा. लेकिन देखिए प्रॉब्लम, 1 और 3 तो है ही नहीं, अब क्या करें? फर्क तो पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट होती है. हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा क्योंकि इम्पोर्ट महंगा हो गया, एक्सपोर्ट सस्ता हो गया. अब 1 और 3 तो है ही नहीं, तो क्या है ये है भाई? तो 2 तो सही नहीं है ना, ठीक है कि नहीं? तो जो है फिर यही कर दीजिए, क्योंकि ये तो होना ही होना है, ये तो मेन है. ये हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये तो होना ही है. वैसे 1 और 3 होता तो वो भी सही जवाब होता. तो ऐसा कई बार हो जाता है जिसमें आपको 2 आंसर के चांसेज है, तो जो सबसे परफेक्ट आंसर है हमारा ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए. आइए पढ़िए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया. ब्लैक मनी क्रिएट होने से क्या असर पड़ता है, कैसे होता है वो नहीं, क्रिएट होने से क्या असर पड़ता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वरी कर रहा है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई जगह छापे भी मारती है. और आपने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन, इसीलिए तो हुआ था कि ब्लैक मनी को बाहर लाया जाए. ब्लैक मनी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आइए पढ़ते हैं. डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू परचेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, नहीं वो तो देखो ब्लैक या व्हाइट हो, लोगों की अपनी पसंद है, उसके अनुसार से काम करेंगे. इन्वेस्टमेंट इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह, कुछ हद तक ये सही है. और पैसा छुपा कर रखना है, अनअकाउंटेड मनी है तो लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये कम है. पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है होता तो है, लेकिन ये मेन नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई एक ही सिलेक्ट करना है. सबसे मेन है अब अनअकाउंटेड मनी है, पैसा लोग ऐसे ही मतलब कैश में लेके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल परचेज हो रहा है, आमदनी गवर्नमेंट को बताई नहीं जा रही है. तो इसमें सबसे मेन है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जो सरकार को टैक्स मिलना चाहिए, चूंकि सब कैश में हो रहा है, कहीं बुक्स में आ नहीं रहा, तो सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता. तो इसका आंसर डी नंबर सबसे अहम है, सबसे मेन है, ठीक है. और इस चैप्टर का सबसे जो लास्ट सवाल आया था वो देख लीजिए, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ क्या पढ़ रहे हैं. ये इस अटेम्प्ट 2021 के
अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो कर रहे हैं। कल हम लोग 2020, 2019, 2018 के क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर के अपने अगले क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी इन द इफेक्ट, किसके चलते ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। देखो इन्फ्लेशन कब होता है, जब मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन होगा। जिसको देखो वही 1000 का 2000 का नोट लेके घूम रहा है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट करने से असर तो होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है। देखते हैं आगे, क्योंकि हमें पूछा है कि भाई मोस्ट इन्फ्लेशनरी जो सबसे ज्यादा होता, तो इससे भी ये बढ़ता तो है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक मनी टू फिनांस, पब्लिक से तो मनी ले लोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फिनांस, बैंक से ले लोगे तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, उससे तो कम हो जाएगा, तो गलत है। न्यू मनी, अगर आप नई मनी क्रिएट करते हैं बजट डिफिशेंसी के लिए तो मार्केट में मनी मनी हो जाएगा और ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। अगर गुड्स एंड सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए तो अगर हम बात करें ए और डी में, तो डी ज्यादा इफेक्टिव है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के पीछे, ये सबसे बड़ा कारण। कई देश की सरकारें जो ज्यादा समझदार नहीं होती हैं, वो जब भी डिफिसिट फिनांस है तो वह नोट छाप के मार्केट में चला देती, थोड़े समय के लिए तो गवर्नमेंट को लगता है हमने बड़ा अच्छा किया, लेकिन फिर परेशानी शुरू हो जाती है और इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है, सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारी तरफ से इस अटेम्प्ट के क्वेश्चन, और कुछ वैसे क्वेश्चन भी हमने आपको कराए। ठीक है, तो देखिए हम लोग टॉपर्स आईएएस में ये सीरीज यूट्यूब लाइव हो रही है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के जनरल क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, और फिर कौन से क्वेश्चन, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन। पास्ट ईयर से बहुत पुराने क्वेश्चन हम नहीं आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन कम से कम 2017 मान लीजिए ना, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल का कम से कम होना ही चाहिए। तो आपके जितने भी हैं चैप्टर्स, उन सबके बीच में हम इसकी बात करेंगे, और चैप्टर्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए हम लोग कवर करेंगे नेशनल इनकम, हालांकि नेशनल इनकम के क्वेश्चन थोड़े से कम आने शुरू हो गए हैं, बट जो भी क्वेश्चन है एक तो ये चैप्टर देखेंगे। अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग की बात कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग इसकी बात करेंगे। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और कौन सा, और बैंकिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। आरबीआई, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। तीसरा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट सब रख लो इसी में। मनी मार्केट इसका असल में ना, इसलिए कैनवस बहुत बड़ा है, इसीलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा, अगर मेरे से पूछिए कि पीटी में सबसे इम्पोर्टेंट, सभी पेपर्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो मैं कहूँगा मनी एंड बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से संबंधित है इन्फ्लेशन, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, आजकल इससे भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए अच्छे खासे, और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो होता है, इंडेक्स वगैरह, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 6 हिस्सों में बांट के हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी। अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे जो है ध्यान दीजिए। इसी में कोई नेशनल इनकम का भी आ जाएगा तो वो भी करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हम आपको और आपके 5 जून वाली पीटी में इकोनॉमिक्स में कैसे मदद कर सकते हैं। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन तो मेन यही रहा है। लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूं मैं, तो फिर पॉलिटी भी है, लेकिन पॉलिटी के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा।
मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे 1 घंटे मैं आपको पहले इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करा दूँ, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आपकी नज़र से एक बार दोहरा दूँ, और वीडियो आप रात को भी देख सकते हैं, चला के वीडियो चला के आप सो जाइए और आराम से थोड़ा सुनते रहिए, जो मन में बात जाएगी उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तो देखते रहिए टॉपर क्लासेस का ये सीरीज इकोनॉमिक्स फॉर सिविल सर्विसेज जून 5, 2022 से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास कल 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग फिर अपनी क्लास करेंगे दिन।